Second question that has been most asked on Google is, why take admission through College Vidya? And I'm sure this is like the most asked question on Google, and it is something that even I want to know. Who's going to answer first, and who's going to take the lead? मैं स्टार्ट करता हूँ कि पहले ये स्टार्ट करते हैं कि हमने सीबी स्टार्ट ही क्यों किया। आई वॉन्ट टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी कि जैसे बोला जाता है कि ये हमने बहुत सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर अगर सिंगिंग करियर स्टार्ट कर लेता तो वो आज सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, राइट। बट नो वन इमेजिन दिस कि अगर उसके पास एक अच्छा कोच इन स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर, जो उनका कोच है रामाकांत आचरेकर जी, तो वो कोच नहीं होते तो एक राइट पार्टनर नहीं होता, एक राइट कोच नहीं होता तो ही वोंट बी अ सचिन, राइट। तभी आज सचिन उनको आज भी साथ लेके चलते हैं कि ही मेड इट, राइट। सो व्हाई सीवी स्टार्टेड इज बिकॉज कि सीवी रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियंस किसी के, फैक्ट्स किसी के, एक रियलिटी पे बच्चा खुद सेलेक्ट कर पाए। जैसे हम अपनी चीजें खुद सेलेक्ट करते हैं तो वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, बिकॉज इट इज एन इरिवर्सिबल डिसीजन। तो जैसे मेरे साथ हुआ, व्हाई आई गेट सो एक्साइटेड फॉर सीवीएस, मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे 12th तक ये बता दिया गया था कि डीयू ही है, डीयू ही जाना है। आई हैड लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड नाउ आई रिग्रेट, एंड ये रिग्रेट मेरे साथ हमेशा रहेगा, राइट। वो फैक्ट्स फिगर्स पे नहीं था मेरा डिसीजन। पर मेरे लिए वो बेस्ट नहीं था, मतलब ओपिनियंस के बेसिस पे मैंने ले लिया, बिकॉज मतलब उस टाइम नहीं थे ऐसा, मतलब फैक्ट्स फिगर्स, तो दैट इज व्हाई सीवी स्टार्टेड। एंड पोस्ट एडमिशन पे व्हाई टेक एडमिशन, व्हाई टेक एडमिशन, या दैट इज अ क्वेश्चन। सो व्हाई टेक एडमिशन फ्रॉम, वी कम टू यू आफ्टर दिस। वी हैव फाइव मेजर थिंग्स दैट सीवी प्रोवाइड्स। फर्स्ट इज सीवी टेलीग्राम कम्युनिटी। सीवी कम्युनिटी इज समथिंग, मतलब आजकल नेटवर्किंग बोला जाता है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट। सो व्हाट वी हैव डन इज, अगर आप ऑनलाइन एमबीए कर रहे हो तो फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, एक ही उसमें लाइक आई थिंक नाउ क्लोज टू अराउंड 9000 स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट टेलीग्राम कम्युनिटी। एंड आई सी कि किसी को स्टार्टअप करना है तो उन्होंने एक सब टेलीग्राम कम्युनिटी बना ली, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उनका जो दूसरी एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी का कुछ अच्छा लेक्चर था वो डाल दिया। सो दैट्स अ, मतलब इंडिया को कनेक्शन मिल गया कि सारे ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं, राइट। सेकंड इज द एलुमनाई नेटवर्क व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज आई वुड से कि एडमिशन लेना आसान है, बट वो 2 इयर्स 3 इयर्स तक आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वी हैव अ पोस्ट एडमिशन टीम दैट इज अ सपोर्ट टीम। सो देयर मेन फोकस, देयर मेन सक्सेस पॉइंट इज कि आपको वो लास्ट तक सपोर्ट करे आपको, इन टर्म्स ऑफ कभी भी एलएमएस प्रॉब्लम होती है, कभी फैकल्टी की प्रॉब्लम्स होती है, बहुत चीजें आती हैं, तो दैट वो ईमेल और एसएमएस, लाइक दे हैव सो मेनी स्टूडेंट्स राइट इन अ यूनिवर्सिटी, नाउ दे हैव अ डेडिकेटेड टीम, प्लस एवरी 1 month और 2 months दे हैव अ मेंटर विद देम। सो वन क्वेश्चन दैट आई हैव, एज यू आर सेइंग कि एडमिशन ले लिया, काउंसलर ने हेल्प कर दी, गाइड कर दिया, एडमिशन ले लिया, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि देयर विल बी अ मेंटर हु विल बी कनेक्टेड, सो किसी भी टाइप की क्वेरी सॉल्व करेंगे, किसी भी टाइप की क्वेरी सॉल्व करेंगे। एंड जैसे मैंने बोला कि एडमिशन लेना इज इजी, बट वो 2 इयर्स 3 इयर्स तक रहना, बिकॉज ऑनलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक डिसकनेक्टेड फील ना हो, कनेक्टेड फील रहे, एंड दैट मेंटोर हेल्प्स यू इन सॉल्विंग ऑल योर प्रॉब्लम्स, प्लस ऑल्सो हेल्प्स यू इन मतलब कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आज एम्प्लॉयर जो एच आर है वो क्या देखता है जो ऑनलाइन एमबीए के साथ क्या क्या कोर्सेज होने चाहिए, तो दे ऑल्सो। And also universities बहुत टाइम पे back out कर जाते हैं, मतलब admission हो गया उसके बाद there is no such guidance. I think in that case also college will be helping students. Anything about placement, Rohit sir, if you want to talk about placement. Srikriti, online education, in fact online आज कुछ भी ढूंढना, सही जगह पहुंचना बहुत बड़ी problem है। गूगल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कोई भी ब्रांड ढूंढना चाहो तो उसकी 10 वेबसाइट दिखेंगी, 10 चीजें दिखेंगी। तो इट्स लाइक मुझे अगर कहीं घूमने जाना है और मैं किसी से रास्ता पूछ रहा हूँ कि मुझे देहरादून जाना है, तो मुझे सही बताने वाला रास्ता इंपॉर्टेंट आदमी है। तो कॉलेज विद्या एक ऐसी जगह है जो आपको सही जगह रीडायरेक्ट करेगी। वी हैव ऑल दी यूनिवर्सिटीज, वी हैव ऑल दी यूनिवर्सिटीज वेबसाइट देयर, तो हम आपको वहीं से रीडायरेक्ट कर देते हैं उन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो कि ओरिजिनल है। हमारी टीम हमेशा काम करती रहती है कि कौन सी ओरिजिनल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की। वेरी गुड पॉइंट, साइबर फ्रॉड, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हर 5 मिनट में एक कोई ना कोई एक बंदा उसमें फंसता है साइबर फ्रॉड के अंदर। कोई कहीं पैसे डाल देता है, कोई कहीं यूपीआई से पैसे डाल देता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, क्योंकि हमारे पास मेजर बच्चा जो है
वो टू टीयर थ्री टीयर सिटीज से आता है जिनको एक्चुअली ऑनलाइन पेमेंट करना भी नहीं आता। इनफैक्ट हमारे काउंसलर्स बच्चों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कि पैसा देना कहाँ पे है, क्योंकि आज जब वो बच्चा है जयपुर का है और वो बॉम्बे की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है तो उसको पता नहीं है कि मुझे पैसा भेजना कैसे है। पहले बैंक अकाउंट नंबर आता था, हम बैंक में जाके पैसे जमा करते थे, पर आज कंप्लीट सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑनलाइन में आपको सही जगह पहुंचना है तो कॉलेज विद्या हेल्प आपकी यहाँ करती है। हाउ डू यू गाइस मेक श्योर कि जो भी यूनिवर्सिटी है वो ऑथेंटिक ही है, मतलब आपको जो वेबसाइट से आपने बोला कि राइट यूनिवर्सिटीज हमारे पास है इसलिए यू शुड टेक एडमिशन टू कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी हम लोग तब तक नहीं लिस्ट करते जब तक वो हमारे सारे लिस्ट ऑफ अप्रूवल्स अगर उसके पास नहीं होते तो हम उसको लिस्ट नहीं करते। तो यूजीसी जो हमारे देश में एक ऐसी बॉडी है जो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट करती है और रूल करती है, हम वहां से भी चेक करते हैं, AICTE से भी चेक करते हैं, जितनी भी अप्रूवल गवर्नमेंट की बॉडीज हैं हम वहां सब जगह पे यूनिवर्सिटी को चेक करते हैं और हम तभी लिस्ट करते हैं। और क्योंकि कॉलेज विद्या एक ऐसा पोर्टल है जो सिर्फ ऑनलाइन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज को ही लिस्ट करता है तो हम लोग ये जरूर चेक करते हैं कि क्या ये यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन अप्रूव्ड है या नहीं है। हमारे देश के अंदर आज करीबन 1200 यूनिवर्सिटीज हैं पर सारी ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए अप्रूव नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि कई यूनिवर्सिटीज जो अप्रूव नहीं है वो भी बच्चे को इनरोल कर देती है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, तो वी जस्ट टू चेक दैट कि ऑनलाइन अप्रूव्ड है या नहीं है वो चेक करके ही हम सिर्फ लिस्ट करते हैं। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करूंगा, ये तो हमारी एकेडमिक टीम करती है सारे अप्रूवल चेक करना जैसे बताया। एक और चीज हम बहुत करते हैं, यूट्यूब पे लाइव भी है, वी गो टू द यूनिवर्सिटी टॉक विद डायरेक्टर्स कि व्हाट इज द विजन ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी स्ट्रेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव, राइट? सो दे गेट टू नो कि हाँ मतलब, एंड इवन जैसे वीलॉग भी कवर करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे, सो एक्चुअल स्टूडेंट जो वहां पे पढ़ रहे हैं रेगुलर का कैसा एक्सपीरियंस है, तो उससे एक आइडिया मिल जाता है कि ऑनलाइन में भी कैसा विजन होगा उसकी यूनिवर्सिटी का। एडमिशन लेना प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन लेना प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, मतलब आप कुछ भी लेने के लिए जाओगे ना बाहर 10 लोग बताने आएंगे तो एडमिशन लेना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एडमिशन लेने के बाद में। मैंने अपने करियर में देखा है कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं पर कंप्लीट नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स अ जर्नी, मेरे को पूरे 3 साल तक चलना है यूनिवर्सिटी के साथ में, मैं बैकआउट कर जाता हूँ और बाद में जब मेरा ये टाइम खराब हो जाता है तब मैं रिग्रेट करता हूँ। तो मुझे हमेशा से कोई पुश करने वाला चाहिए, स्कूल के अंदर मुझे मेरे पेरेंट्स पुश करते थे, पर जब मैं एडल्ट हो जाता हूँ ना, 18 साल से ऊपर का हो जाता हूँ या 16-17 साल से ऊपर का हो जाता हूँ, तब मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। तो मुझे एक पुश करने वाला आदमी जरूर चाहिए था जो मुझे पुश करते रहे कि नहीं करना है करना है। तो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है कॉलेज विद्या पे, उसके बाद में एक मेंटर आपको असाइन हो जाता है, वो आपको हर महीने फोन करेगा, पूछेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि ये ऑनलाइन की दुनिया ना बड़ी आइसोलेटेड है। रेगुलर में आप डेली कॉलेज जाते हो तो घर में किसी को पता होता है, आपके दोस्तों को पता होता है, पर यहाँ आपके साथ कोई नहीं है। तो हम आपको हर महीने पुश करते रहेंगे कि कंप्लीशन जरूरी है, कंप्लीट करना जरूरी है। एडमिशन ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री मिल जाएगी, डिग्री लेनी है तो पूरे 3 साल तक चलना पड़ेगा। तो मेंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपको ये बताता है कि आपको करना है करते रहना है। वी हैव लॉट मेनी स्टूडेंट जो 3 साल के बाद में हमको थैंक यू बोलते हैं इसके लिए कि मेरे को आपने पुश किया और मैंने ये कंप्लीट कर लिया, नहीं तो मैं ये कंप्लीट नहीं करता। बहुत सारे बच्चे हैं जो कंप्लीट नहीं करते हैं। आई गेस लाइफ में हर चीज के लिए पुश की जरूरत है, कुछ भी, सुबह उठ के नहाने हर चीज के लिए, कि अब मेरे ख्याल से खाना भी खा लो उसके लिए भी जरूरत होती है, खाना खा लो। जैसे जैसे जिम स्टार्ट करना तो बहुत ईजी है, फिर उसके साथ मतलब जो वो प्रोसेस कंसिस्टेंसी, मतलब जिम में आई विल से कि एक इंस्ट्रक्टर जरूरी है, ट्रेनर जरूरी है, मतलब ठीक है सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं पर वो बहुत कम होते हैं, तो सेल्फ मोटिवेटेड लोग बहुत कम है दुनिया में। So there's also one thing, we provide placement assistance to our student also. 3 साल तक, क्योंकि हम उसको सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि यहाँ से ये डिग्री लो या ये ग्रेजुएशन करो या ये पोस्ट ग्रेजुएशन करो, हम उसको साथ में ये भी बताते हैं कि साथ में आपको ये भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहिए। हम उसे ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी बताते हैं, उसके हिसाब से उसको कंप्लीट फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चे को 3 साल बाद, और फिर उसके रिज्यूमे जितनी भी हमारे पास लिस्टेड कंपनीज हैं, करीबन 500-600 कंपनीज है हमारे पास में, उन सारी कंपनीज में बच्चे का रिज्यूमे शेयर करते हैं। उसको 3 साल के अंदर भी ये भी सिखाया जाता है कि रिज्यूमे बिल्डिंग होती कैसी है, कम्युनिकेशन कैसे करना होता है, क्योंकि जब बच्चा तैयार हो जाता है ग्रेजुएशन के बाद में तो उसको ये भी नहीं पता होता कि अब वो अप्लाई कहाँ पे करे, तो उसको हम ये भी मदद करते हैं कि वो अब यहाँ अप्लाई कर सकता है और उसको जॉब मिल सकती है, जॉब रेडी हो जाए, मतलब बच्चा, क्योंकि हमारे पास में एक रॉ मटेरियल के शेप में आता है, तो हम उसको 3 साल के अंदर कंप्लीटली फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। बाय मतलब एंड ऑफ द डे आउटकम मैटर करता है, इट्स नॉट दैट कि एडमिशन कराना इंपॉर्टेंट था, आउटकम क्या मिलेगा इससे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस 3 साल के अंदर सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, स्किल डेवलपमेंट भी करेगा,
सीखेगा भी, रिज्यूमे भी बनाएगा और जॉब को अप्लाई भी करेगा। वी हैव ऑनबोर्डेड अराउंड 750 कंपनीज ऑन आवर बोर्ड जो टाइम टू टाइम अपनी जॉब पोस्टिंग हमारे पास हमको देती रहती हैं ऑल ओवर इंडिया से, और वही जॉब पोस्टिंग रेलेवेंट कॉलेज विद्या के स्टूडेंट के पास में जाती रहती है। यही हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव यही है जो हमें अचीव कर आउटकम इज। सो मतलब आई वुड ऐड कि जैसे प्रोफाइल ऑफ द यूजर में हमने ये फंक्शनैलिटी डेवलप करी है कि आप अपना सीवी अपडेट करो एंड एज रिक्रूटर्स नो दैट वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सो एवरी रिक्रूटर वांट्स मतलब कि उन्हें कुछ फाइनेंस का कोई चाहिए, कोई उन्हें मार्केटिंग का चाहिए, सो नाउ वी हैव क्रिएटेड फिल्टर्स फॉर द कंपनीज, सो दे हैव टू मतलब एक फिल्टर लगाते हैं वो लाइक एमबीए इन मार्केटिंग चाहिए, सो ऑल द कैंडिडेट जिसने भी सीवी अपलोड किया हमारे प्रोफाइल ऑफ द यूजर में दैट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, सो इट बिकम्स अ विन विन फॉर द स्टूडेंट, फॉर द रिक्रूटर एंड फॉर कॉलेज विद्या ऑल्सो, राइट। एंड आई थिंक स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी चाहिए होती है व्हाइल ग्रेजुएटिंग, एंड अगर ऑनलाइन है तो भी इंटर्नशिप करना आई थिंक बहुत प्रॉफिटेबल है, राइट। सो आई थिंक टेलीग्राम कम्युनिटी में भी काफी पोस्टिंग्स आती रहती है। इवन मैंने देखा टेलीग्राम कम्युनिटी में कि जैसे मैं अब मतलब आफ्टर 2-3 इयर्स वो जुड़े ही रहते हैं, तो मुझे कुछ चाहिए अपनी कंपनी में, किसी का चाहिए क्या, मैं एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ तो मुझे कोई चाहिए रिसोर्स, तो आई ऐड दैट मतलब डालता हूँ और एकदम से कमेंट्स एंड लॉट ऑफ ईमेल्स पे रिज्यूमेस आने लग जाते हैं। राइट, ग्रेट, आई थिंक वी हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन प्रीटी वेल।